हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा। मैं विनय। मैं प्राची। मैं नीलम। तो फ्रेंड ये लीजिए, आज हम हाजिर हैं नए चैलेंज में। फ्रेंड जो कि ब्रदर वर्सेस सिस्टर ईटिंग चैलेंज। तो फ्रेंड्स, और एक तरफ है मेरे विनय भाई और फ्रेंड्स नीलम, और एक तरफ है मैं और फ्रेंड्स प्राची। तो फ्रेंड्स आज ये चैलेंज होने वाला है, मेरी टीम में प्राची और मैं रहने वाला हूँ, और फ्रेंड्स विनय की टीम में विनय रहेंगे और नीलम रहने वाली है। और टोटल हम देखा है तो ये खाना खत्म करना है। और फ्रेंड्स कल आज है 26 जनवरी। तो भाई 26 जनवरी को आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है, और ये चैलेंज होने वाला है। फ्रेंड्स कलरफुल सारा फूड है, और फ्रेंड मेन बात है पूरी चाट है, क्योंकि लड़कियों की सबसे ज़्यादा फेवरेट चाट होती है। आप जानते हो बाहर बाजार वगैरह में जाते हैं, सबसे पहले जो ठेल दिखती है फ्रेंड वो चाट की दिखती है। फिर चाट की दिखती है तो दिखती है, लड़कियों की सबसे ज़्यादा भीड़ दिखती है मुझे तो। फेवरेट नहीं है, इन दोनों का फेवरेट है। तो फ्रेंड मैंने पानीपुरी चाट रखी है, और फ्रेंड भेलपुरी चाट रखी है, और ये फ्रूट चाट रखी है, और ये अलान फलान डिखान चाट रखी है। नाम ये याद नहीं है, ढेर सारी चाट रखी है, आप यही देख रही हो। तो फ्रेंड्स अलान फलान डिखान चाट है यहाँ पर ढेर सारी, तो यही इसी का चैलेंज होने वाला है। जितनी क्वांटिटी मेरे पास है उतनी क्वांटिटी उधर उधर के उधर है। फ्रेंड्स दोनों को ख़त्म कर दी, कौन जल्दी खत्म करने वाला है। मैं अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होने से पहले मुझे चैलेंज खत्म करना है। तो फ्रेंड 3 2 1 गो। पड़ो पकड़ो। चम्मच लाने का टाइम ही नहीं मिला।
कमेंट, मेरा टीम लीडर तो अचूना है। मैंने सोचा मेरी बहन से लंबी है तो थोड़ा खाने फास्ट होगी, बड़ी है तो खाने फास्ट होगी। लेकिन पर मैंने पूरी कोशिश की थी खाने की। अच्छा, पूरी कोशिश कम की थी, मुझे ज्यादा टॉर्चर हो रहा था। जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो, चल। अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। ओवो, अब जानते हो दोनों पक्के भुक्कड़ तो उधर से, और ये एक कच्चा मेरी तरफ पकड़ा दिया। मैंने भले ही कम खाया लेकिन भैया की ज्यादा हेल्प की है। कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करके बताएं, अगर अगर नीलम मेरी तरफ होती तो मैं जीतता, ये पक्का था। ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम है ना इसलिए। तो मारो ये जी, मैंने खा ली ना अपनी नमकीन और जी चाट। तो मैंने भी तो खा ली, लल्लू पटोल, मैंने भैया के भी दोनों खा लिए। आओगु तुम जीत के, बस बाहर में जा, वो मैंने खाया यार। अब ऐसे चलो जमाई तो जी तुम्हारी हाथ लिए, वो पे कछु ना खाया यार, जो तो है वो जीत गए तुम। अब जो हारे को, जो हारो आगे मोपी चटनी पोतेंगे। बोल दे आगे ने छोड़ गए इतने मोपा पोतेंगे। तू ठीक है, मोहरी में चखवाइए ना ततैया जाम चैलेंज वाली में, तभी ना मैं बैठा तू। तो ब्रांड ये हरी चटनी बची है और जो हारा है उसके आधे में पोती जाएगी, इतने दिन में पोती जाएगी। तो बहन देखा हरी चटनी पुतवा रहे मुंह पे, और फ्रेंड्स आई होने वाली है चेहरों की, और फ्रेंड वो भी इस तीखी मिर्ची से, मेरी भी पताई होगी, इसकी पताई होगी ग्रीन वाला ग्रीन से। मैं तो कह रहा हूँ पहले नहीं सोची, खाने से पहले कर, चैलेंज करने से पहले आप कर रहे हो लोची लोची। करने के लिए ब्लीच तो लगाना पड़ता है ना। ये ब्लीच नहीं है, हरी मिर्च है। मेरे को जल्दी नाला गोरे हो जाएगी। आ मेरी भैंस मुझे मार। इंडिया के बुक कड़े हम। कपड़ा गंदे जाएंगे। मजा मिर्च लग रही है। वहाँ तो कुछ होता है वो तेज़ है, वो थोड़ा वो मुझे पड़ेगा ठंडो है, जलन मत रही है कितना है वो यार, बहुत जलन हो रही है सच में। जो खाना पड़ेगा साथ में ठीक है, जो करवा दे ठीक है। इतनी खातरदारी हमारी मत करो भैया, गोलगप्पे फोड़ रहे पट 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 पट। कैसे भी जीते तुमसे तो मना कर दिया तुमने, अपने गोलगप्पे मजा जलन मचा रही है। हमने गोलगप्पे का कल प्रयोग किया क्योंकि उन्होंने चाट बना लिया, हमने अभी चटनी डाल के खा गए सब। मुझे जलन मच रही है, गए होंगे बहुत तेजी से आ सच। बाय बाय बाय। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप सभी को हमारी तरफ से, हमारी YouTube फैमिली की तरफ से 26 जनवरी की बहुत 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 शुभकामनाएं, शुभकामनाएं बहुत बहुत ज्यादा। घूमिए, लड्डू खाइए, लड्डू वाली बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, और फ्रेंड मछली खाइए। मेरे को मेरे स्कूल के दिन काफ़ी याद आते हैं, तो स्कूल में जाता था तो फ्रेंड लड्डू और फ्रेंड्स का जो माहौल होता था ना स्कूल को, वाकई में देखने दिखाने लगता था, खूब मजे करते थे हम। मेनली मेरे साथ के तो सारे लड्डुओं के लिए जाते थे, लेकिन मैं तो और किसी के लिए जाता था, और जो भी था मजे आते थे पूरे पूरे। किसी को बताना मत। हाँ फ्रेंड्स, कल बूंदी बटेंगी हमारे घर पर, किसी को बताना मत।
अगर आपने किसी को बताया तो बूंदी नहीं बट पाएंगे, तो आप इस चीज का ध्यान रखें, बूंदियां बटेंगी हमारे घर पर, किसी को बताना मत। तो मैं चलिए आज के लिए बाय बाय।